नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नीतीश बीजेपी के साथ एक बार फिर खेला करने जा रहे हैं। बीजेपी को जिसका डर था, नीतीश वही करने जा रहे हैं, जिससे मोदी और शाह को बड़ी टेंशन होने वाली है। और तो और, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि नीतीश बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। नीतीश ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी को झटका देने जा रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जब बीजेपी को नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ी और फिर देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, तब से ही सवाल उठ रहा था कि क्या नीतीश पर भरोसा किया जा सकता है, कहीं नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला तो नहीं कर देंगे। और जिसका डर था वही हुआ, और अब नीतीश बीजेपी के साथ बड़ा खेला करने जा रहे हैं। दरअसल 23 जुलाई को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। इससे पहले जेडीयू ने बीजेपी को बड़ी टेंशन दे दी है। बजट सेशन से पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसमें जेडीयू की ओर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को उठाया गया। जेडीयू की ये काफी पुरानी मांग है और इसका लगभग बिहार की सभी पार्टियां समर्थन करती हैं। जेडीयू के साथ साथ वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा की मांग कर डाली। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है, यानी इस पर कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि संसद सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जनता दल यूनाइटेड और वाईएसआर कांग्रेस ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। लेकिन अजीब बात यह रही कि तेलुगु देशम पार्टी इस मामले पर चुप्पी साधी रही। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में जदयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर डाली और वाईएसआरसीपी नेता ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग की है। एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि देखिए राजनीतिक माहौल कैसे बदल गया है, सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के नेता भी रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को याद दिला रहे हैं कि ओडिशा में 2014 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया गया था। यानी जयराम रमेश इशारा कर रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा वक्त है और बीजेपी के साथ नीतीश और नायडू खेला कर सकते हैं, जिससे मोदी और अमित शाह टेंशन में आ गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि बीजू जनता दल यानी बीजेपी के नेता सस्मित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा है कि उनकी पार्टी ने ओडिशा के लिए विशेष दर्जे की मांग की है। साथ ही एनडीए के प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। वहीं आंध्र प्रदेश के नेता लंबे समय से राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं और एक बार फिर इस मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। यानी अब नीतीश और नायडू की मांग को मोदी को पूरा करना ही होगा, नहीं तो बड़ा खेला हो जाएगा। क्योंकि नायडू और नीतीश अभी तो एनडीए में हैं, मोदी के दोस्त बने हुए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब दोनों मोदी के दुश्मन थे। साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू इस प्रयास में थे कि नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से कैसे हटाया जा सके। उस समय नायडू हर राज्य की राजधानी में जाकर नेताओं से बात कर रहे थे। वे नेताओं से कह रहे थे कि हम सब मिलकर एक ऐसा फ्रंट बनाएं ताकि केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी हट जाएं। साल 2023-24 में वही रोल नीतीश कुमार निभाते हुए दिखे। नीतीश कुमार भी सभी राज्यों की राजधानी में गए, अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात की और सबको इस बात के लिए तैयार किया कि अगर हम साथ हो जाते हैं तो एक ऐसा गठबंधन बन सकेगा जिसके दम पर नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जा सकेगा। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस मंशा से साल 2019 और 2024 में घूम रहे थे, आज उसे साकार करने का उनके पास अवसर आ गया है। इसे नियति ही कहेंगे कि कैसे राजनीति के कालचक्र का पहिया घूमा है कि आज दोनों नेता एनडीए में हैं, लेकिन उनके पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुराना मंसूबा पूरा करने का मौका आ गया है और ये दोनों नेता मौके पर चौका मारने से नहीं चूकेंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।